हेलो, वेलकम टू बिंग इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पार्ट टू करने वाले हैं टू डियर का। हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको टू डियर टाइटल का मतलब नहीं समझाया था, तो मैं अभी समझा देता हूँ। मैं शायद भूल गया था मैं बताना। तो टू डियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो ज़्यादा महंगी हो, हद से ज़्यादा महंगी हो। अब टू का मतलब होता है इंग्लिश में ज़्यादा, और टू डियर का मतलब होता है, देखिए डियर के ना दो मीनिंग्स निकलते हैं यहाँ पर। एक डियर का मतलब तो वो जो जो सबसे ज़्यादा करीब हो और प्यारा हो, और दूसरा डियर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो महंगी हो, तो वो भी उसका मतलब निकलता है। इंग्लिश लिटरेचर ऐसा है कि आपको एक वर्ड के 10 मीनिंग मिलेंगे, तो वो आपको समझना है कि आपको कौन से मीनिंग का इस्तेमाल करना है। हमारे पार्ट वन वीडियो के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत समरी दे देता हूँ। दरअसल हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि कैसे जो प्रिंस ऑफ मोनाको है, उसकी जो इनकम होती है, जो टैक्सेस वो लेता है, वो टैक्सेस उसके जो साम्राज्य है वो चलाने के लिए काफ़ी नहीं होता, इसलिए वो जुए का अड्डा चलाता है, जिसे हम लोग गेमिंग हाउस कहते हैं। तो उस गेमिंग हाउस के ज़रिए वो बहुत सारा पैसा कमाता है, और वो एकलौता ऐसा प्रिंस है, इंसान है, या ऐसा कोई राज्य है जो पूरे यूरोप में सिर्फ एकलौता है। तो जाहिर सी बात है कि आसपास के जितने भी यूरोप के जो लोग होंगे वो वहाँ पर जुआ खेलने के लिए आएंगे, और हो सकता है कि वो कभी हारे तो कभी जीत जाए। इससे जो जुए के अड्डे के जो मालिक होता है उसे बहुत सारी इनकम मिलती है, और उस इनकम में से थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो प्रिंस को देता है, और उससे ही उस पैसे से जो प्रिंस है वो अपना साम्राज्य का जो खर्च वगैरह होता है वो चलाता है। और ये मोनाको जो ये कंट्री है, ये किंगडम है, वो कहाँ पर है? वो फ्रांस और इटली के बॉर्डर के बीच में, मेडिटेरियन सी के करीब। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्ज़ाम में आ जाए। और इससे ज़्यादा और जानकारी हासिल करना हो तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, पार्ट टू, तो आपको मैं सजेशन देता हूँ कि पार्ट वन वीडियो पहले देख लें आप, ताकि आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप पार्ट वन को और पार्ट टू को कनेक्ट कर सको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पार्ट टू वीडियो को लेकर। सो नाउ एवरीवन हु वांट्स टू गैम्बल, गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, गोस टू मोनाको, क्योंकि ये ऐसा एक ही जुए का अड्डा है पूरे यूरोप में, जो सारे के सारे लोग जो जुआ खेलना चाहते हैं वो वहाँ पर आएंगे जुआ खेलने के लिए। कहाँ पर आएंगे? मोनाको में। वेदर दे विन और लूज, द प्रिंस गेट्स गेन्स बाय इट। यू कांट अर्न स्टोन पैलेसेस बाय हॉनेस्ट लेबर, हैज द प्रोवर्ब सेज, एंड द किंगलेट ऑफ मोनाको नोज इट इज़ अ डर्टी बिजनेस, बट वॉट इज ई टू डू। अब यहाँ पर ना किंग की मजबूरी दिखाई गई है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ पर एक प्रोवर्ब है, कहावत को इस्तेमाल किया है, यू कांट अर्न स्टोन पैलेसेस, आप राजमहल नहीं खड़ा कर सकते, किससे? एकदम ईमानदारी से आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा दो वक्त की रोटी ले सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए तो आप लोग देखो कि जो दो नंबर के धंधे करते हैं, जो स्मगलर्स होते हैं या ऐसे कोई कुछ भी जो इलीगल काम होते हैं, उनके पास उस तरीके से कमाए हुए पैसे हद से ज़्यादा होते हैं, काफ़ी अमीर होते हैं। और जो लोग किसान होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उन वो अमीर नहीं होते, उनको आप लोग हमेशा गरीबी दिखाओगे, मतलब वो आप लोग को हमेशा गरीबी दिखेंगे कहीं पर भी जाओ। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो ईमानदारी से मेहनत करता है वो हमेशा गरीब ही रहता है इस दुनिया में। तो वो क्या कह रहा है कि मजबूरी थी कि अगर बहुत सारा पैसा कमाना हो तो ईमानदारी से कमाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए क्या करना पड़ा? अलग रास्ता इस्तेमाल करना पड़ा। कौन सा? यही गैम्बलिंग का, ठीक है। सो अगर देखिए, उससे मोनाको के जो प्रिंस है उससे उसको कोई
फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ चूहे का आटा चलाने वाला जो मालिक है, जहाँ उसे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ पैसे से ज़रूरत है। उसका जो एक परसेंटेज तय किया गया है प्रिंस का, वो परसेंटेज उसे वक्ती तौर पर मिल जाता है। ठीक है, सो यू कांट अर्न स्टोन पैलेसेस। अब राजमहल नहीं खड़ा कर सकते मेहनत करके, ज़्यादा से ज़्यादा एक झोपड़ी तैयार कर सकते हो मेहनत मजदूरी करके। हैज़ द प्रोवर्ब सेज एंड द किंगलेट ऑफ मोनाको नोज इट इज़ अ डर्टी बिजनेस। प्रिंस को पता है कि ये जो कर रहा हूँ, ये जो इनकम हासिल हो रही है या जो ये जुए का अड्डा चलाया जा रहा है, ये सारा का सारा अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता। बट वॉट इज ई टू डू, मजबूरी था वो, कुछ मजबूरी थी तो वो कुछ नहीं कर पाया उसमें। ही हैज़ टू लिव एंड टू ड्रॉ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी। फ्रॉम ड्रिंक एंड फ्रॉम टोबैको इज़ ऑल्सो नॉट अ नाइस थिंग। ही हैज़ टू लिव यानी उसे ज़िंदा रहना था, उसे अपना जो साम्राज्य था उसको चलाना था, तो उसके लिए उसे आमदनी हासिल करनी थी। और उसे ये जो अल्कोहल, अब देखो जुए के अड्डे में ना आप लोग देखोगे कि ना अक्सर जो जुआरी होता है वो साथ में थोड़ा बहुत सिगरेट पिएगा और साथ में कुछ अल्कोहल वगैरह भी लेगा, यानी दारू वगैरह भी पिएगा। ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था जुए के अड्डे पर, तंबाकू और अल्कोहल। ही इज़ ऑल्सो नॉट अ नाइस थिंग। प्रिंस को ये भी पता है कि दारू पीना या बेचना या तंबाकू वगैरह बेचना, ये सारे के सारे गलत चीज़ें हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। सो ही लीव्स एंड रीन्स एंड रेक्स इन द मनी, यानी कि तो वो पैसे से पैसा ही कमाने लगा। रेक्स इन द मनी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हासिल करने लगा। एंड होल्ड्स हिज कोर्ट विद ऑल द सेरेमनी ऑफ अ रियल किंग। और इतना पैसा आने लगा किंग के पास कि किंग एक ऐसा, भले वो एक छोटे पैमाने पर एक किंग हो जिसे किंगलेट कहते हैं, लेकिन जो पैसा उसके पास आ रहा था वो किसी बड़े महाराजा से भी कम नहीं था। यानी बहुत सारा पैसा उसे आ रहा था और उस पैसे से वो अपने सारे शौक पूरे कर रहा था एक ग्रेट किंग की तरह। ही हैज़ हिज कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब जो राज्य अभिषेक बोलते हैं उसे, जब किसी किंग को एज अ किंग डिक्लेयर किया जाता है तो उसे राज्य अभिषेक कहते हैं, या उसे ये भी कहते होंगे राज्य तिलक। ठीक है, तो वो कोरोनेशन बोलते हैं। जब हम किसी को, किसी प्रिंस को किंग बनाते हैं तब कोरोनेशन बोलते हैं। हिज लीव्स ही रिवॉर्ड्स सेंटेंसेस एंड पार्डन्स। देखो वो है, वो भले ही वो किंग हो 7,000 लोगों का, बहुत छोटा, बहुत छोटे लोगों का किंग है, लेकिन वो जो भी है वो एक किंग है। ठीक है, और जैसे कोई और किंग हो उसी तरह से वो लोगों को रिवॉर्ड भी करता है और कभी कभी सजा भी सुनाता है और माफ़ भी करता है। एंड ही ऑल्सो हैज़ हिज रिव्यूज काउंसिल्स लॉज एंड कोर्ट्स। हर चीज़ है जो एक बड़े किंग के पास होनी चाहिए, जैसे कि उसके पास दरबार है और न्यायाधीश यानी जो लॉ वगैरह भी है, काउंसिल्स है। काउंसिल्स का मतलब होता है जो लोग किंग को एडवाइस देने वाले लोग होते हैं, कमिटी है और सारी चीज़ें। कोर्ट्स ऑफ जस्टिस जस्ट लाइक अदर किंग्स ओनली ऑन अ स्मॉलर स्केल। ये सारे चीज़ें मौजूद है एक किंग के पास, लेकिन सारे के सारे कम पैमाने पर, एकदम छोटे पैमाने पर। नाउ इट हैपेंड अ फ्यू ईयर्स अगो डैट अ मर्डर वॉज कमिटेड इन दिस टॉय प्रिंस डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब होगा इलाका। तो एक कुछ साल पहले क्या हुआ कि वहाँ पर एक मर्डर होता है उनके किंगडम में। अब क्योंकि ये पहली बार हुआ था, ऐसा कुछ पहली बार ये मर्डर हुआ था, तो लोगों को पता नहीं था कि, और किंग को भी पता नहीं था कि अब कैसे इसको हैंडल करना है, क्योंकि सज़ा सुनाई नहीं गई थी कभी। सज़ा तय ऐसे इस तरह के मर्डर को सज़ा कभी तय की नहीं गई थी कि क्या देना चाहिए, अभी इसमें सज़ा क्या देना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो सारे लोगों को बुलाया, उसके जितने भी जो मिनिस्टर्स थे उनको बुलाकर एक बैठक रखी।
और उसमें चर्चा की कि अभी क्या करना चाहिए, मर्डर तो हुआ है। और इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंटली लिया क्योंकि ये पहली बार कभी इनके लाइफ में हुआ था, तो ये चीज़ काफ़ी मायने रखती थी सारे लोगों के लिए। द पीपल ऑफ दैट किंगडम आर पीसेबल एंड सच अ थिंग हैड नॉट हैपन बिफोर। ये जो किंगडम थी, जो लोग थे किंगडम के, ये काफ़ी अमन पसंद थे, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहते थे। और पहली बार ऐसा हुआ था इनके लाइफ में, इन लोगों के लाइफ में, तो इन लोगों ने इसे बहुत ही सीरियसली लिया ये मैटर को। द जजेस असेंबल्ड, असेंबल्ड का मतलब जमा हुए, विथ मच सेरेमनी एंड ट्राइड द केस इन द मोस्ट जुडिशियल मैनर। दे वर जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स एंड जूरी मैन एंड बैरिस्टर्स, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट में होता है ना, उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ कोर्ट में आपको जज मिलेंगे, फिर बैरिस्टर्स यानी एडवोकेट्स, लॉयर्स, ये जो वकील वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे सजा सुनाने वाले, फाइन लगाने वाले, उसी तरह से इसके, भले ही ये छोटे किंगडम है लेकिन ये सारे के सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर। दे आर्ग्यूड एंड जज्ड एंड एट लास्ट दे कंडम्ड द क्रिमिनल टू हैव हिज हेड कट ऑफ हैज़ अ लॉ डायरेक्ट्स। कंडम का मतलब होता है उसकी निंदा करना। तो उन लोगों ने चर्चा की, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट हुई, और फिर लोग ये नतीजे पे आए कि ये जो क्रिमिनल है इसकी, इसका धड़ सर से अलग कर देना चाहिए है सज़ा के तौर पर। सो फार सो गुड। नेक्स्ट दे सबमिटेड द सेंटेंस टू द प्रिंस। हम इन लोगों ने आपस में ये डिसीजन लिया एक दूसरे से सलाह मशवरा लेने के बाद, ये जो रिपोर्ट थी इस रिपोर्ट को प्रिंस के सामने रखा ताकि प्रिंस इसको कबूली दे, यानी वो क्या करेगा, वो अपने सिग्नेचर या कोई एक रॉयल सील वगैरह ऐसा छाप वगैरह होते हैं ना पुराने ज़माने में, जब राजा महाराजा कुछ ऑर्डर देने के बाद में लास्ट में कहीं वो लोग सील देते थे, यानी कि सील मारते थे ऐसे, कुछ राज मुद्रा जैसा कुछ होता था वो, ठीक है। जैसे आज के ज़माने में जब जज वगैरह या ऐसा कोई जो ऊंचे दर्जे का ऑफिसर हो, तहसीलदार हो, वो हमेशा उसका खुद का अपना एक सील होता है, स्टैम्प बोलते हैं उसको। तो अब बारी आई इस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है जिसमें सजा सुनाई गई है, ये इसे ले जाकर प्रिंस के सामने रखा जाए और वहाँ से परमिशन ली जाए, ठीक है। द प्रिंस रेड द सेंटेंस एंड कन्फर्म्ड इट। इफ द फेलो मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हिम। एग्जीक्यूट का मतलब होता है सजा सुनाना, ठीक है, उस पर कार्रवाई करना। तो प्रिंस जो था ना, उनका काम क्या है, बस अपनी जिम्मेदारी लोगों पर दे दो, उनको डिसाइड करने दो, और जब वो डिसीजन ले तो फिर उसके ऊपर या तो कन्फर्मेशन दो, हाँ या ना। अब इन लोगों ने जितने भी मिनिस्टर्स थे, ज्यूरी और ये जो पैरिस्टर्स थे, सब लोग साथ में बैठे और उन लोगों ने चर्चा की, और फिर वो उन लोगों ने एक डिसीजन पे आए कि इसका सर धड़ से अलग होना चाहिए। प्रिंस के पास लेके गए, प्रिंस ने देखा, पढ़ा, और फिर उसने भी कन्फर्मेशन दे दिया कि अगर यही सही है तो इसे अमल में लेकर आओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देर वॉज ओनली वन हिच, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था इससे, इस ताल्लुक से, इन द मैटर, एंड दैट वॉज दैट दे हैड नाइदर अ गुलिटिन फॉर कटिंग हेड्स ऑफ नॉर एन एग्जीक्यूशनर। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ में पहली बार इनके किंगडम में ऐसा कुछ हुआ था जिसे मर्डर का ऐसा कुछ हुआ था तो जिसे सजा सुना गई थी। आमतौर पर हमारे जो कंट्री में क्या होता है कि जब हमें किसी को मर्डर की सज़ा सुनाई जाती है तो उस वक्त उस इंसान को फांसी की सज़ा दी जाती है, जो सबसे अल्टीमेट सज़ा होती है, यानी कि इसके आगे कोई और सज़ा नहीं होती, तो इंतज़ाम करना पड़ता है फांसी की सज़ा देने के लिए, और काफ़ी दिन पहले से ही स्टार्ट होती है। अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि क्या इंतज़ाम करने पड़ते होंगे। जो फांसी की सज़ा सुना जाती है, जिस रस्सी से या जिस रस्सा बोलते हैं ना, जो गले में डालते हैं फंदा, वो फंदा बहुत स्पेशल होता है।
एक स्पेशल तरीके के मटेरियल के साथ में उसे बनाया जाता है, और वह कहीं से बहुत दूर से हमारे इंडिया के कौन से एक राज्य से, जहाँ खासकर उस फंदे को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी हो या ऐसा कुछ होता है, वहाँ पर एक इंसान होता है जो स्पेशली उसी रस्सी का इस्तेमाल करके वो फंदा तैयार करते हैं। फिर वो फंदा उसके नाम का ही फंदा होता है वो, ठीक है। ऑर्डर दिया जाता है कि इस तारीख को इस पर्टिकुलर इंसान को फांसी देने वाली है, तो उसके नाम का एक फंदा बनाया जाए। तो फिर वो जो फंदा बनाने वाला होता है वो फंदा बनाता है, और फंदा भी अच्छा बनाता है ताकि वो फंदा टूटे टूटे ना, ठीक है। और फिर उसे जेल में लाया जाता है उस फंदे को एक दो दिन पहले। फिर इस इंसान को जो फांसी दी जाने वाली है उसे आम कैदियों से अलग रखा जाता है, उसे ट्रीटमेंट भी अलग दी जाती है, और सुबह सुबह 4 बजे फांसी दी जाती है। वहाँ एक डॉक्टर होगा जो उसे टेस्ट करेगा कि वो फांसी के लायक है या नहीं, क्या कोई बीमारी वगैरह है उस दिन। अजीब बात है कि डॉक्टर को भी रखना पड़ता है। मैं पहले सोचता था कि डॉक्टर क्यों होगा जब वो अभी मरने ही वाला है, तो उसे टेस्ट करके आप क्या हासिल करोगे। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली डॉक्टर को उसलिए नहीं रखा जाता कि वो बीमार है या नहीं, बीमार हो या ना हो उससे उसका कोई लेना देना नहीं फांसी देने से। यहाँ पर मैंने खुद ही सोचा कि शायद ये कन्फर्म करने के लिए कि वो मरा है कि नहीं, वो कन्फर्म करने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है। फिर डॉक्टर अपना डेथ सर्टिफिकेट देता है कि हाँ वो मर चुका है, शायद इसीलिए डॉक्टर को रखा जाता है वहाँ पर। और इंतज़ाम की बात बोल रहा था कि फंदा वगैरह तैयार करते हैं, राइट, और वो जो फ्रेम होती है जहाँ पर फंदे को लटकाया जाता है, और फिर उस फंदे को जो जिसके गले में डालना हो कैदी के उसके गले में डाला जाता है, और जो नीचे जहाँ पर वो रुकता है उसके नीचे जो ज़मीन होती है वो खुलती है, राइट, प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको, और इस तरह से वो लटकता है उसमें। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म को खोलने के लिए भी एक इंसान चाहिए जिसे जल्लाद बोलते हैं हिंदी में, तो वो जल्लाद कौन होगा, उसकी भी अपॉइंटमेंट की जाती है, उसे भी इत्तला दी जाती है कि आप मुकमुक दे पे आपको आना है, आपको यह फांसी देनी है और ये सब चीज़ें, ठीक। ऐसा भी मैंने एक कोई तो सुना था कि फंदा जो ये होता है ना, क्या कहते हैं इसको, फांसी देने वाला जल्लाद, वो कैदी के कुछ कान में कहता है और फिर उसे फांसी देता है। आज तक ये पता नहीं चला कि वो कैदी के कान में बोलता क्या है फांसी देने के पहले। आप चाहो तो आप वीडियो देख लो कहीं से, यूट्यूब पर सर्च करो कि जल्लाद फांसी देने से पहले कैदी के कान में क्या बोलता है, और फिर मुझे कमेंट में आप ज़रूर लिखना, कि मुझे पता चले कि आप मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं, ठीक है। कमेंट में मुझे बताना कि जल्लाद फांसी देने से पहले क्या कहता है, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट देना। इफ़ द फेलो मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हिम। और मैंने ये बताया कि एक ही प्रॉब्लम थी सजा सुनाने के लिए, और वो था एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है जल्लाद, ठीक है। और गिलोटिन का मतलब एक फ्रेम होती है। पुराने ज़माने में देखा होगा आप लोगों ने कि एक ऐसा फ्रेम होता है एक्चुअली यू टाइप, जिसमें उसके ना पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग जब किसी का धड़ सा अलग करना होता था तो उसको सुलाया जाता था, और ऊपर से कोई तो होता था जो उसको काटता था उसके सर, या ऊपर एक कोई ऐसा एक ब्लेड होगा वो ब्लेड को छोड़ा जाता था तो वो एकदम तेज़ी से वो नीचे आकर उसके सर काट देते थे, ऐसा कुछ। यहाँ पर पिक्चर में आप देखोगे तो ये चीज़ नहीं थी उनके पास। द मिनिस्टर्स कंसिडर्ड द मैटर, कंसिडर मतलब इस पर गौर किया इस मैटर के ऊपर, एंड डिसाइडेड टू एड्रेस एन इंक्वायरी टू द फ्रेंच गवर्नमेंट asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head. अब ये बहुत बड़ा एक ऐसा मुसीबत का टाइम है कि अब तो सजा भी सुना दी गई है, लेकिन अब करेंगे कैसे। अभी हमें किसी से तो मांगना पड़ेगा जो ये चीज़ बनाता है गुलेटिन, ठीक है। तो ये सारे वापस एक बार मीटिंग लाई गई, सारे मिनिस्टर्स आ गए, और उन सारे मिनिस्टर्स लोगों ने
एक एडवाइस दिया कि चलो फ्रेंच गवर्नमेंट के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं एन एड्रेस एंड इंक्वायरी इंक्वायरी करते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट में, एक लेटर लिखते हैं और पूछते हैं कि आपके पास गोल्डन है, अगर आपके पास गोल्डन है तो आप मुझे हमें वो दे दीजिए, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, उसकी प्राइस कितनी होगी आप वो भी बता दीजिए। आस्किंग वेदर द फ्रेंच कुड नॉट लैंड देम अ मशीन एंड एन एक्सपर्ट टू कट ऑफ द क्रिमिनल्स हेड, मशीन तो दीजिए आप साथ में लेकिन साथ ही साथ ऐसा कोई इंसान भी साथ में भेजना जो ये काम कर सके, क्योंकि वहाँ मोनाको किंगडम में ऐसा कोई नहीं था जो इस काम को अंजाम तक ला सके, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी ने कभी ऐसा इंसान को काटा नहीं था, कभी किसी ने किसी का सर धड़ से अलग होते हुए कभी किसी ने देखा नहीं था, तो ये किसी के लिए आदत नहीं थी, तो ऐसा कोई होना चाहिए जो ये कर सके ये सब सारी चीज़ें। एंड इफ सो वुड द फ्रेंच काइंडली इन्फॉर्म देम व्हाट इट वुड कॉस्ट, द लेटर वॉज सेंट अ वीक लेटर द रिप्लाई केम, एक हफ्ते के बाद में उस लेटर का रिप्लाई फ्रेंच गवर्नमेंट ने दिया कि अ मशीन एंड एन एक्सपर्ट कुड बी सप्लाइड एंड द कॉस्ट वुड बी 16,000 फ्रैंक्स। फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास वो मशीन है, मशीन का नाम क्या है, गुलिटिन, एग्जाम में 1 मार्क के लिए आएगा ये, और मशीन के साथ साथ हमारे पास ऐसा इंसान भी है जो ये काम कर सके, तो ये टोटल अमाउंट उसकी होगी 16,000 फ्रैंक्स। अब 16,000 फ्रैंक्स काफ़ी था, अब आप गौर कीजिए एक फ्रैंक अगर कभी हिसाब लगा जाए एक इंसान पर, तो इनके लोग इनके जो किंगडम में जो लोग थे वो थे 7,000 लोग, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया एक इंसान के एक इंसान पर जो ये खर्चा आएगा लोगों पर, राइट। दिस वॉज लेड बिफोर द किंग, ही थॉट इट ओवर। अब ये जो मशवरा था, जो लेटर था, जो फ्रेंच गवर्नमेंट से आया था, इसे किंग के सामने रखा गया और किंग को बताया गया कि देखिए ऐसा ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। 16,000 फ्रैंक्स, ही थॉट द व्रेज इज नॉट वर्थ द मनी, व्रेज इज नॉट वर्थ द मनी, यानी ये जो व्रेज का मतलब होता है जब किसी को हम गलत अल्फाज से याद करते हैं ना, एक बुरा इंसान जानकर जब हम उसे याद करते हैं तो उसे व्रेज कहते हैं, एक तरह की आप समझ लो गाली हो गए, ठीक है। इज़ नॉट वर्थ द मनी, यानी वो इस इतने पैसे के लायक ही नहीं कि हम इसके ऊपर इतना पैसा खर्चा कर सके। यहाँ पर कैसे होता है कि जो जेल में जो खर्चा, देखो जेल में खर्चा होते हैं बहुत सारे, गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, अगर जेल चला रहे तो जेलर की कमाई, जेलर के पगार, फिर उस जेल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं कॉन्स्टेबल्स, इनके भी सैलरी देना होता है, और जो कैदी जो लोग होते हैं उनको खाना पीना उनका, उसका भी खर्चा होता है, लाइट बिल और ये सारी चीज़ें, तो जो गवर्नमेंट होती है उनको जेल का भी खर्चा उठाना होता है, राइट। अब यहाँ पर ऐसा था, उनके पास एक हिसाब होता है कि चलो एक कैदी के पीछे इतना पैसा खर्चा होना चाहिए, इसीलिए आप लोग देखोगे कि जो हमारे जेल का जो खाना होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, एक इसीलिए क्योंकि चाय, ताकि उनको पता चले लोगों को कि जेल जो होती है वो बहुत बुरी चीज़ होती है और वहाँ की जो ट्रीटमेंट होती है और वहाँ का जो रहना सहना होता है वो अच्छा नहीं होता, तो कोई जाना नहीं चाहेगा। अगर ऐसा होता कि जेल में 5 स्टार वाली ट्रीटमेंट दी जाती थी तो हर कोई जेल में जाना पसंद करता था और वहीं रहना पसंद करता था, क्योंकि उनको फिर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, राइट। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज़ में जो प्रिजनर्स होते हैं, यानी जो कैदियाँ होती हैं ना, उनको एक ऐसी ट्रीटमेंट जाती है जैसे कि बाहर कोई एक 5 स्टार होटल हो, या इफ़ नॉट 5 स्टार होटल लेकिन 3 स्टार होटल की तो ट्रीटमेंट मिलती ही मिलती है। उसे क्या पसंद है, वेज नॉन वेज, अल्कोहल, बुक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक टाइप की फैसिलिटी दी जाती है जेलर और कैदियों को, और उनको जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है
वो स्किल्स सिखाई जाती है, राइट। एक देखो, बाहर गांव के लोगों का भी एक इंटेंशन होता है कि हम एक अच्छे नागरिक तैयार कर कर वापस से सोसाइटी में भेजें, शायद वो उनका सोच हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किंग ने कहा कि यार इतना पैसा इसके ऊपर खर्चा करना ये उसके लायक भी नहीं है। 16,000 फ्रैंक्स, अगर यही 16,000 फ्रैंक्स को हम किसी और चीज़ में डाल दें तो शायद हमें कुछ और मुनाफा हो जाए। तो किंग राज़ी नहीं था कि मैं इतना पैसा इसके ऊपर खर्च करूँ। सेड ही, कांट इट बी डन सम हाउ चीपर, क्या इसे और कम किया जा सकता है, क्या थोड़ा और सस्ता किया जा सकता है? वाई 16,000 फ्रैंक इज़ मोर देन 2 फ्रैंक्स अ हेड ऑन द होल पॉपुलेशन। द पीपल वोंट अंडरस्टैंड इट एंड इट मे कॉज अ राइट। तो उसने, जो किंग था वो, उसने सोचा कि यार उसे भी चलाना होता है ना अपनी अपना जो राज्य। उसने सोचा कि यार मैं अगर इसका पैसा लोगों से वसूल करना लग जाऊँ तो हर एक के ऊपर 2 फ्रैंक्स का कर्ज़ा हो जाएगा और लोग नहीं चाहेंगे कि इतना पैसा वो दे एज अ टैक्स, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, शायद लोग बगावत भी कर जाए, ठीक है, और एक तरीके का दंगल वाली सिचुएशन हो जाएंगी, ठीक है। तो बेटर है हम इसे कुछ और तरीके से कुछ हैंडल करने की कोशिश करेंगे। सो अ काउंसिल वॉज कॉल्ड टू कंसिडर वॉट कुड बी डन एंड इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड अ सिमिलर इंक्वायरी टू द किंग ऑफ इटली। द फ्रेंच गवर्नमेंट इज़ अ रिपब्लिकन एंड हैज़ नो प्रॉपर रिस्पेक्ट फॉर किंग। अब जो फिर से एक बार किंग ने मीटिंग्स में मीटिंग बुलाई, और काउंसिल का मतलब ये जो लोग होते हैं ना जो कमिटी में, एक ग्रुप, उसको काउंसिल बोलते हैं। वो आए सारे के सारे, फिर से एक बार डिस्कशन स्टार्ट हुआ, और फिर लोगों ने कहा कि अब जिस तरह से हम लोगों ने लेटर जो फ्रेंच गवर्नमेंट को दिया था, सेम लेटर हम लोग इटली के लेटर किंग को देंगे, जो इटली का राजा होगा उसको देंगे, और उसको पूछेंगे कि आप कितने में दे सकते ये जो गुलेटन है और एक इंसान के साथ। फ्रेंच गवर्नमेंट इज़ अ रिपब्लिकन एंड हैज़ नो प्रॉपर रिस्पेक्ट फॉर द किंग, यानी वो जो फ्रेंच गवर्नमेंट के एक रिपब्लिकन एक टाइप का कंट्री है जो राजाओं की इज्जत नहीं करता। बट द किंग ऑफ इटली वॉज अ ब्रदर मोनार्क। किंग ऑफ इटली, अब रिपब्लिकन मतलब हमारी जो कंट्री ना, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा कोई देश जिसमें राजा शासन नहीं करता, लोग शासन करते हैं इंडिया के, जैसे हमारा हमारे खुद की कंट्री है। अब राजा शासन करने वाले, ऐसे मैं बोलूँ तो लंदन हो गया, इंग्लैंड हो गया, जहाँ पर राजा का कॉन्सेप्ट है, राजा रानी का कॉन्सेप्ट है। आज भी ऐसे कोई देश होंगे जहाँ राजा रानी डिसाइड करेंगे कि देश में देश कैसा चलना चाहिए और सारी चीज़ें, ठीक है। अब किंग ऑफ इटली ये जो था वो सेम प्रिंस ऑफ मोनाको यानी किंग किंगडम ऑफ मोनाको के तरह ही अपना राजपाट चला रहा था, तो इसीलिए उसे ब्रदर मोनाक कहा गया, ठीक है। एंड माइट बी इंड्यूस्ड टू डू द थिंग्स चीपर। सो द लेटर वॉज रिटन एंड अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई वॉज रिसीव्ड। लेटर भी लिखा गया और रिप्लाई भी आया इटली की गवर्नमेंट से, और उसने 12,000 फ्रैंक्स में ये मशीन बेचनी चाहिए। द इटालियन गवर्नमेंट रोट दैट दे वुड हैव प्लेजर इन सप्लाइंग बोथ अ मशीन एंड एन एक्सपर्ट एंड द होल कॉस्ट वुड बी 12,000 फ्रैंक्स इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। दिस वॉज चीपर बट स्टिल इट सीम्स टू मच। अब देखो, इटालियन गवर्नमेंट ने भी एक रिप्लाई भेजा और 12,000 में वो मान गए कि मैं आप हम आप लोगों को एक मशीन देंगे, मशीन के साथ में एक इंसान को भी देंगे और साथ ही साथ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये कम था, पिछले इसमें कितना था 17,000 फ्रैंक्स था, यहाँ पर 12,000 फ्रैंक्स हैं, 5,000 का डिफरेंस है। फिर भी किंग ऑफ मोनाको के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि एक ऐसी मुजरिम के ऊपर इतना खर्चा किया जाए, तो उसने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा और कम किया जाए। दिस वॉज चीपर बट स्टिल इट सीम्स टू मच। द रास्कल वॉज रियली नॉट वर्थ द मनी। रास्कल यानी कि फिर से ये इंग्लिश में दी जाने वाली एक गाली है, ठीक है। तो ये गाली किसे दी जा रही थी, ये कैदी था ना जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसे, मर्डर को, ठीक है।
इट वुड स्टिल मीन नियरली 2 francs मोर पर हेड ऑन द टैक्सेस। फिर भी अगर टोटल किया जाए तो फिर भी ये हर लोगों के ऊपर 2-2 francs का कर्जा हो रहा था टैक्स के तौर पर वसूल करना। अनदर काउंसिल वॉज कॉल्ड, फिर से एक बार मीटिंग बुलाई गई। देखो एक इंसान के लिए जो मर्डर है उसके लिए मीटिंग पे मीटिंग बुलाई जा रही है। अनदर काउंसिल वॉज कॉल्ड, दे डिस्कस्ड एंड कंसिडर्ड हाउ इट कुड बी डन विद लेस एक्सपेंसेस, कुड नॉट वन ऑफ द सोल्जर्स। तो यहाँ पर मैं आज वीडियो को एंड करूँगा। फिर से एक बार काउंसिल यानी फिर से एक बार मीटिंग को बुलाया गया, लोगों को बुलाया गया और डिस्कशन की गई। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या डिस्कशन किया गया था और क्या डिसीजन पे वो लोग आए। ठीक है, तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस तरह के नए नए वीडियोस मैं आप लोगों के लाता रहता हूँ। मेरा एक एम है कि मैं जितने भी ये जो लेसन्स है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कम्प्लीट होने के बाद मैं स्पोकन इंग्लिश के ऊपर अपना पूरा ध्यान फोकस करूँगा। और फिर जिन लोगों को मेरे, देखो मेरे चैनल से सारे लोगों को बेनिफिट होने चाहिए, चाहे वो कॉलेज में सीखने वाला कोई स्टूडेंट हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपील कर रहा हो। इसलिए मैंने उस इंटेंशन से इस चैनल को तैयार किया है। तो दोनों तबके के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसे भी होना चाहिए, जो एकेडमिक तरीके से अगर सीखना चाहे तो वो भी सीख सकता है, यानी कि जो लेसन वगैरह है, और जो अपन जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। आप एक काइंड ऑफ एक सर्कल है, मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा आप लाइक और शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि जब मैं खुश होऊंगा तो मैं आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा, मुझमें भी इंटरेस्ट जागेगा, मुझमें भी मोटिवेशन आएगा, राइट। मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चैनल पूरी तरीके से डेडिकेट किया है इस एकेडमिक को, और जहाँ तक हो सके मैं अपने आप को पूरी तरीके से आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसे मैं हिंदी उर्दू में सिखा सके ऐसे लोगों के लिए जो जिसे इंग्लिश समझ में ना आती हो। जो नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से होते हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, और हमारे जो कॉलेजेस है कर्नाटक कॉलेजेस वहाँ पर अक्सर कन्नड़ में सिखाया जाता है इंग्लिश को। मैंने देखा है इंग्लिश को इंग्लिश में भी नहीं सिखाते, इंग्लिश को इंग्लिश सब्जेक्ट को इंग्लिश में नहीं बल्कि कन्नड़ में समझाते। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो कन्नड़ मीडियम से नहीं है या जिनकी कन्नड़ इतनी अच्छी खासी नहीं है उनको वो लेसन समझ में नहीं आते। एज ए लेक्चरर, मैं भी एक लेक्चरर हूँ, मैं भी कॉलेज में सिखाता हूँ, तो मुझे ये जो प्रॉब्लम थी बच्चों की समझ में आ गई। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने एक चैनल ही शुरू कर दिया जहाँ पर मैं लेसन को हिंदी में और उर्दू में सिखा रहा हूँ। तो शायद आप लोगों को ये बेनिफिट हो। आप लोग कमेंट भी नहीं करते तो इससे मुझे पता भी नहीं चल रहा कि आप लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, आपके डिमांड्स क्या हैं और ये सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो 3 के लिए या पार्ट 3 के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।